सो कमिंग टू शविंग जब आपने पढ़ना शुरू किया कैरेक्टर स्क्रिप्ट hmm. को तो क्या पहला इंप्रेशन था क्या फीलिंग थी कितनी खुशी हो रही थी कि यार फाइनली एक कैरेक्टर आया जिसमें इतनी लेयर्स हैं सो काशिफ कॉल्स मी एंड काशिफ सेर्स के मैं एक ड्रामा बना रहा हूँ और कहाँ है आप तुम कितने हो पंजाबी hmm. बात में बात करता काशिफ आप पंजाबी में बताए मज़ा आया तो मैंने हाँ। कहा कि काशिफ लाहौर तो कहने लगा तुम्हें आओ जरा ऑफिस आ जाओ मैं क्या अच्छा चलो आ जाती हूँ कहने लगा बड़ा मज़ेद ड्रामा है और

आप करेंगी तो बड़ा अच्छा कर लेंगी इसको बड़ा सॉफ्ट बनाना है ये है वो है हुँ. तो मैंने कहा अच्छा काशिफ ठीक है मैं सही है ओके okay, पढ़ती हूँ आई वॉज ओके विद इट आई वॉज वेरी हैप्पी मेरा लाहौर मुझे ये होता है काश्य ने सहारा है तो यू नो डेफिनेटली इट्स अ येस ही नोज दैट ऑल्सो एंड देन इट इज़ लाहौर बिकॉज यू नो मैं घर लाहौर में है मेरा घर तो मैं लाहौर का प्रोजेक्ट हमेशा प्रफ़र hmm. करती हूँ एन एस एड की यू नो कहानी भी अच्छी होगी जफर महाराज का स्क्रिप्ट है पढ़ लेती हूँ पढ़ा आई वॉज ओके विद एट वॉज नॉट अ बैड कैरेक्टर अच्छा अच्छा कैरेक्टर okay. उसका काम था टू डेज लेटर काशिकवी एन से मैं सोच रहा हूँ कि ओनी एक और कैरेक्टर है मैंने कहा अच्छा hmm. कौन सा तो ही साइट के तुसी आओ <laughs> <laughs> फिर आओ तो <तुसी>। फिर आओ <laughs> <laughs> फिर मैं काशिफ को मैंने कहा काशिफ कैशि कहता है कि ये कहते हैं कि वो शमीम का कैरेक्टर है mm -hmm. और ये ना मेरे दिल के अंदर खुब गया दिस दिस इज ही सेड मेरे दिल को लगा लड़ गया है मेनू mm -hmm. कैरेक्टर ना मैंने कहा पढ़ाएं फिर हमने बैठ कर डिस्कस किया शमीम का बताया सारा तो मैंने कहा काशिफ यस mm ही सेड कि मुझे पता नहीं क्यों लगा कि नहीं आई वांट यू टू डू शमीम एंड इट वाज वेरी जनरल सफर दैट ही एक्चुअली थॉट अबाउट इट दैट नादिया कैन कुड डू दिस

फॉर एंड टू सी दैट अदर पर्सन हैप्पी ना वो होता है ना जो हम एक रवायती मोहब्बत में कहते हैं कि मुझे ना भी कोई मिले लेकिन मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि अगला खुश रहे वी स्टार्टिड द शूट एंड उससे पहले मेरी और एतशाम की मीटिंग हुई एंड mm -hmm. काशिफ़ की जो अमेजिंग बात है हीज़ ही इज़ अ ग्रेट स्टोरी स्टोरी टेलर एंड ही वर्क्स विद ईच एक्टर ही वर्क्स अबाउट हर एक्टर के साथ बैठ के ही डिस्कस इज द कैरेक्टर एंड देन ही ऑल्सो पुट दीज टू पीपल टुगेदर सो एतशाम के साथ मैंने कभी काम नहीं किया बिकॉज हीज़ अ डायरेक्टर बट आई विवर नेवर वर्क विद हेम सेफी के साथ किया व बाकी सब के साथ सो ही पुट एत इन मी इन अ रूम एंड वी टॉक अबाउट क्योंकि वो बचपन के दोस्त हैं hmm. और yeah. मैंने देखा कि काबली पलाव देख के अ लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझे कई दफा किसी ने कहा तो मुझे उनको एक्सप्लेन दिसम आफ्टर